गाइज, आज हम बात करेंगे जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है और कॉइन मार्केट के ऊपर भी तीसरे नंबर के ऊपर है उसका। मैं आपको बता देता हूँ, कॉइन गेको वगैरह पे भी लिस्टेड है ऑलरेडी। तो अपन बात करेंगे XRP के बारे में, ठीक है, जिसको लोग रिपल के नाम से भी जानते हैं। अभी भी उसका मार्केट ऐसा है जिसके अंदर 7 नंबर पे है, आप देख सकते हो, और अच्छा खासा अपने को इसके अंदर अभी डंप ही देखने को मिला है। तो उससे पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा, हम जो भी नए वीडियो लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तो पहुंच जाएगा। तो बात कर लेते हैं अपन XRP की। XRP पिछले दिनों से, जब से BTC का हमने आपको पहले भी बताया था कि BTC का हमने बताया था कि यहाँ से अगर स्टेबल नहीं हो पाता है तो अपन उसको बुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अक्टूबर का हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अक्टूबर के अंदर हमें मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 2x 3x तो इजीली अपने को देखने को मिल सकता है। उसके अंदर हमने आपको ये भी बताया था, इथेरियम अपने को इजीली 4,000 और $5,000 के अंदर देखने को मिलेगा। और ऑल क्रिप्टो यूजर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन की 4,000 में ETH देखने को मिला है। एंड ETH का मार्केट देखे कैप, तो उसके हिसाब से अभी भी उसमें बुलिश अपने को देखने को मिल सकता है। अगेन अगेन की बात करें अपन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस $4,000 से अगर इथेरियम अपसाइड में रहता है तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथेरियम अपने को 45-43 के आसपास अगेन देखने को मिल सकता है। एंड फिर इसको सपोर्ट देखें तो सपोर्ट आगे की तरफ इसका सीधा बाउंस बैक देखने को अपने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधा $43 के आसपास। एंड उसके बाद में इसका बुलिश देखें अपन, ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई ये $43 के आसपास है। एंड अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर कि इथेरियम अपने को इजीली $5,000 के आसपास देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सेलिंग प्रेशर वगैरह नहीं है, तो अपन इसको बुलिश में देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन XRP की। XRP अभी भी डाउन में चल रहा है, अगर अपन BTC के पैर में देखे तो आप देख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि BTC यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि XRP कहाँ पे गया था, $2 के समथिंग अपने को देखने को मिला था। बट अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है कि हमें यहाँ पे XRP के अंदर अगर अपन बात करें, यहाँ से अगर जिस रेंज में ये चल रहा है, $1.12 के आसपास है ये अभी, तो अगर यहाँ से थोड़ा सा ही बुलिश में जाता है तो अपने को ये $1.23 के आसपास देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन मिलेगा, ठीक है। XRP को यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस हिसाब से ये मार्केट अभी हमारे हिसाब से, उस हिसाब से चलना चाहिए मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी जैसे ये इस हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो अपन देख सकते हैं कि अभी इसी ट्रेंड लाइन में ये घूम रहा है। और अगर इस ट्रेंड लाइन के अप हो जाता है तो अपन वापस अगेन $1.23 के आसपास XRP को देख सकते हैं। एंड यहाँ इनके बीच में कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो अपन डायरेक्ट इसको $140 के आसपास देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अपने को बुक प्रॉफिट करना है, एंड मिड टर्म वाले हैं वो इससे निकल सकते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म वाले इसको होल्ड कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो XRP कितना अच्छा कॉइन है, तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करना। हमारे हिसाब से इसको आप बाई कर सकते हो, ठीक है, अगर BTC यहीं पे स्टेबल हो जाता है। वीकली चार्ट के हिसाब से भी अपन देखें तो BTC यहाँ पे स्टेबल रह जाता है, 63
1000 के आसपास, तो यहाँ पे अपने को इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपने को अगेन अपने पिछले वाले बुलिश सिग्नल को टच करके आगे अभी से निकल चुका है ये। अगर इससे ऊपर रहता है 65,000 से, तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये $68 तक देखने को अपने को अगेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके हिसाब से ही अपने को उसके अंदर चलना है XRP में। ठीक है, तो पहले ही हमने आपको बता दिया था, उस हिसाब से आप करोगे तो बिल्कुल भी क्रिप्टो में लॉस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।